है ना वो दक्षिणा वक्षिणा उसमें उसमें इंटरेस्टेड होते हैं यार। ये बताओ इतने लोग बुलाते हैं यहाँ, इस घर से घुसे निकले तो बाहर दो चार औरतें खड़ी रहती है, तो चार तो वो पकड़ ले जाती है, चार वो ले जाती है। वो मेरा मेरा बेटा भी चला गया था कल छोटा वाला किसी के साथ, तो वो पता नहीं 80-90 रुपए लेकर आ गया वो भी। बेटा हर घर में होता है। 500,000 थोड़ी बोला, 80-90 रुपए बोला। बेटा ये रईस कॉलोनी में रहता होगा। कैसे नहीं था, हम छोटे गए यार, कमाल की बात कर रहे हैं। तू क्या मेरे से भी पुराने जमाने का है? कमाल की बात कर रहे बेटा। वो तो क्या है ना, अब जब घर में घुस जाते हैं ना तो कोई मना नहीं, तो कोई मना नहीं करता। हाँ कई बार हुआ उन्होंने दिया नहीं, वो ये हुआ कई बार। मैं यही बोलने वाला था, कई बार पैसे देते हैं। एक चीज नहीं, ये जो है ना गिफ्ट का जो प्रोविजन है ये बेटा अभी चला है। पहले तो पता क्या करते थे, खाना खिलाया और एक एक रुपया दे दिया बस, या पैसे भी बहुत कम देते थे, एक केला दे दिया या वो दे दिया। अब तो क्या, अरे बहुत बड़ी, 1 रुपया तो यार एक रुपया बहुत बड़ी रकम, 1 रुपया मिल जाए तो रही जाता है। चलो अब मुझे लगता है सबका खाना पीना हो गया बेटा। अब है ना एक मैं तुम्हें फोड़ दूंगा। अब देखो सुनो, सुबह की क्लास हो गई थी खराब, और अब मैं इस क्लास को बिल्कुल भी खराब करने के मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखो। वो जो सवाल चल रहा है आज, मुझे वो चैप्टर भी निपटाना है और सवाल भी निपटाना है, और कहीं ऐसा नहीं हो वो चैप्टर और सवाल नहीं निपटा तो मैं आप लोगों को निपटा जाऊंगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो कोई, अरे कोई एक आध लपेटे में आ जाए, कोई एक आदमी लपेटे में आ गया तो वो फिर बैठा बैठा यही सोचता रहेगा रावण मुझ में ही दिखाई देगा उसे, फिर वो यही तो बोल रहा ना, फिर वो उसमें मुझ में उसे रब नहीं दिखाई देगा, तुझमें रावण दिखता है। तो इसीलिए हम लंकेश हैं बेटा, तभी तू टेढ़ा हो गया इसराइल। तो सीधा हंसा कर, जैसे मोहित तो नहीं, जैसे वो हंसता है ना, कौन निश्चय हंसता, निश्चय बिल्कुल सीधा हंसता है स्ट्रेट, ठीक है? चलो अब तो मैं ना, मेरे को भावनाओं में मत भाओ, मुद्दे पर आते हैं। चलो एक बुक दे दो, नहीं फील तो आने नहीं दूंगा आज बेटा। एक दिन में एक क्लास में बैठ सकते हैं, दो क्लासों में नहीं। भाग कर जाना पड़ता, अब ये आराम से जाएंगे, रिलैक्स होकर।
बेटा जल्दी से मुद्दे पर आ जाओ। पेज नंबर 12.20 एग्जाम्पल नंबर 7। अब बेटा कोई बात नहीं करेगा, मैंने आपसे पहले बोल दिया फालतू में कोई ड्रामा हो जाए, त्योहार है त्योहार, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके थे, मैं दोबारा आ रहा हूँ। देखो आप समझ रहे हो कितना समय लग रहा है, एक घंटा पहले चला गया, एक घंटा, ये तीसरा घंटा है और तीसरे घंटे में बात पूरी कनेक्ट होनी चाहिए। इसके इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आता है तो ये नहीं कि हम लोग फिर वही है ना विटामिन सी में डाल दें, समझ में आ गया। आप लोगों को करके आना है बेटा, इतनी मेहनत में पानी मत फेर देना आप लोग। और आप लोगों को अब तक मैंने पूरा क्वेश्चन दिमाग में डाल दिया है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा है, लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। चलो जल्दी से आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। बेटा ये पूरा ग्राम उद्योग और रिटेल में फर्स्ट पैरा नहीं पढ़ रहा, फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है वो मेमोरेंडम अकाउंट में स्टॉक आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, और उसका प्रॉफिट मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर डिस्काउंट पर बेचोगे तो दोनों जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, स्टॉक परचेजेस, स्टॉक एट कॉस्ट, परचेजेस एट कॉस्ट। परचेज का मतलब ही बेटा कॉस्ट प्राइस। सोई नहीं खो गई। सेल्स इतना नंबर वन। द स्टॉक ऑफ द खादी ऑन 1st January 2011 इंक्लूड्स गुड्स द सेलिंग प्राइस विच had been marked down by rupees 1260. These goods were sold during the year at reduced price. ये बोल रहा है जो opening stock था उसका goods क्या कर दिया इन्होंने, उसमें कुछ goods में markdown कर दिया, कुछ सारे goods में markdown कर दिया और उसको इन्होंने पूरा बेच भी दिया, यानी opening पूरा बिक गया। Certain stock value rupees 6900 purchased for the khadi department were later in the year transferred to the sale department. खरीदा किसके लिए गया था, मैंने आपको समझा दिया था, बेसिकली वो सिल्क के लिए था, लेकिन ठीक है ना, एक एंटिटी के दो डिपार्टमेंट, बाय मिस्टेक कहीं डिलीवर हो गया। बेटा जहां डिलीवर हुआ उसने कॉस्ट रिसीव करके, मैंने आपको समझाया था बेटा मैं जब आपसे लूंगा तो मैं कॉस्ट प्राइस पर तो लूंगा, लेकिन जब मेरे घर के अंदर रखूंगा तो मैं कॉस्ट प्लस मार्कअप पर रखूंगा। तो बेटा खादी डिपार्टमेंट के जब गेट पर गुड्स आए तो वो 6900 रुपी के थे, लेकिन जब उसने घर पे रखे तो वो अपना मार्जिन ऐड करके अपने घर में रखे। बोलो बात समझ में आ गया। और उसने वो मार्जिन कहाँ बुक कर लिया, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में बुक भी कर दिया। नेक्स्ट, लेकिन बाद में किसको ट्रांसफर करना पड़ गया, सिल्क को ट्रांसफर, क्योंकि वो बेसिकली उन्हीं के लिए आए थे, जैसे पता चला हुआ सिल्क को ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए था बड़ा, जो मैंने स्टॉक में रिकॉर्ड किया कैंसिल करो, क्योंकि वो मेरे लिए आप तो पता चल गया ना मेरे लिए नहीं है, कैंसिल करके उसका मार्कअप भी कैंसिल करना चाहिए था, यानी मेरे दोनों अकाउंट में एडजस्टमेंट की जरूरत थी, वो मैंने बाय मिस्टेक रिकॉर्डिंग कर ली थी। लेकिन मैंने ट्रांसफर तो कर दिया और सिल्क ने उसे बेच भी दिया, लेकिन दोनों के अकाउंटेंट एक गलती करके बैठ गए, मैंने मेरी बुक्स में कैंसिलेशन नहीं किया और उसने अपनी बुक्स में रिसिप्ट नहीं दिखाया जबकि आउटफ्लो दिखा दिया, तो बेटा वो फिर चीजें हमने मैनेज की थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर टू प्रमोट द सेल्स कुछ और भी गुड्स मार्कडाउन किए गए। खादी ने 5600 के गुड्स मार्कडाउन किए, कौन से वाले, जो उसने परचेज किए थे उन्हीं में से मार्कडाउन किया। सिल्क ने 10000 कॉस्टिंग के गुड्स मार्कडाउन किए, 2000 रुपए जिसका मार्कडाउन था। ऑल द गुड्स वर सोल्ड, सारे के सारे गुड्स बिक गए एक्सेप्ट सिल्क, सारे नहीं। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, खादी ने तो सारा बेच दिया, जो उसने डिस्काउंटेड गुड्स था वो सारा बेच दिया, लेकिन सिल्क बताओ क्या नहीं कर पाया, बड़ा सारा गुड्स नहीं बेच पाया। सिल्क ने वो जो गुड्स मार्कडाउन किए थे उसमें से उसके पास 5000 के गुड्स बच गए, 5000 का मतलब 50%, अरे 10000 मार्कडाउन किया था, 5000 के बच गए। चलो इसने तो ब्रैकेट में दे दिया मार्कडाउन, अगर नहीं भी देता तो भी मुझे पता था, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनेटली देख रहा हूँ, 10000 कॉस्टिंग में से 5000 कॉस्टिंग का गुड्स बच गया, तो बेटा बट ऑब्वियस उसका मार्कअप भी 50% ही बच गया। फोर्थ पॉइंट, एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ये पाया गया कि खादी के पास 390 कॉस्टिंग के गुड्स खो गए, ठीक है ना, तो खो गए का मतलब आउटफ्लो।
भाई उसके पास से तो चले गए। ये बोल रहा है अब आपको ही अकाउंट बनाना, एक्सट्रैक्ट हम बात नहीं कर रहे थे अभी, हम पहले दो ही अकाउंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। पहला मेमोरेंडम ठीक है ना, लिखना है नहीं, किसी ने सर ने लिख रखा है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ये बेटा मैंने खादी का बनाया था, एक बार दोबारा देख लो, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ये मैंने किसका बनाया था, खादी का, ये आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट सिल्क का, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट टू बैलेंस बीडी कॉस्ट, जल्दी बोलते हो तो ये 14,000 बेटा इंस्टेंटली मैंने क्या किया, इसका बैलेंस बीडी 3,000 टू बैलेंस बीडी कॉस्ट 18,600 300 और ये हो गया 27,900 और ये बाय बैलेंस बीडी 3,500 बेटा 9,300 सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करते रहना, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा कैसे लिखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बोलो। फिर हमने परचेज किया, पहले तो बेटा हम उसी को निपटाएंगे जो फिर बाद में इनमें एडजस्टमेंट करते रहेंगे। कॉस्ट था 79,75,25,300 इसका मार्जिन बाय मेमोरेंडम स्टॉक 25,300 टू परचेज कॉस्ट 93,400 मार्कअप 46,700 बाय मेमोरेंडम स्टॉक 46,700 जैसे जैसे गुड्स आया बताओ मैं प्रॉफिट बुक करता चला गया बाय सेल्स और ये सेल्स कितना था 95,600 और बाय सेल्स 1,25,000 बेटा मैं सेल्स अगर बेटा अगर सेल्स किस प्राइस पर होता बेटा सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करो अगर सेल्स किस प्राइस पर होता बोलो नॉर्मल प्राइस पर तो मैं कुछ नहीं करता आगे निकल जाता और बताओ दोनों की क्या निकाल देता बोलो बैलेंसिंग फिगर निकाल देता बोलो बात समझ में आ गई लेकिन सेल्स नॉर्मल प्राइस पर नहीं है तो बताओ मुझे क्या देखना है क्या डिस्काउंट है हाँ यहां पर लिखा हुआ है दो डिस्काउंट है एक ओपनिंग स्टॉक का गुड्स डिस्काउंट पर बेचा गया और एक ये परचेज का गुड्स बेचा गया बोलो आ गया समझ में मैं ऑलरेडी करा चुका तो मैं उतना नहीं तो बाय मेमोरेंडम मार्कअप और बेटा मैंने बता दिया ब्रैकेट में डिस्काउंट आप चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो मैं एक साथ लिख रहा हूं बताओ कितना 16,20 बोलो आ गया समझ में आप दोनों को ब्रैकेट में चाहो तो अलग अलग लिख देना अपने हिसाब से लिख देना मैंने यहां पर समझा दिया तो मैं टू मेमोरेंडम स्टॉक 16,20 डिस्काउंट एक डिस्काउंट कौन सा था 1,260 वाला और एक डिस्काउंट था 360 वो दोनों ही गुड्स एक जो मैंने ओपनिंग स्टॉक डिस्काउंट किया था एक जो मैंने करंट परचेज में से डिस्काउंट किया था वो सारा गुड्स बिक गया यहां पर आ जाओ सेल्स वाले पर चले आगे इधर बाय अब मुझे सोच समझ के जवाब देना बाय मेमोरेंडम मार्कअप बोलो कितना डिस्काउंट बोलो बात समझ में आ गई बेटा 1,000 आ गया अगर मैं 2,000 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान रखना सुनो बेटा मैं 2,000 भी लिख सकता हूं मैं 2,000 लिखूंगा तो कुछ डिस्काउंट सेल्स के साथ होगा और कुछ डिस्काउंट स्टॉक का साथ होगा बोलो आ गया समझ में लेकिन मैं दोनों को अलग अलग लिखना चाह रहा हूं जो सेल्स का है वो सेल्स के साथ एडजस्ट कर रहे हैं फिर बाकी देखेंगे बोलो आ गया समझ में इसमें मैं अभी आपसे केवल किसकी बात कर रहा हूँ सेल्स की तो मैं केवल और केवल कौन से डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ सेल्स के ठीक है ना तो टू बताओ मैं क्या कर दूं
मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, बोलो कितना? 1000 डिस्काउंट। क्या यहां तक सबको क्लियर है? लिख लो, ये लिखा नहीं था ना शायद, लिखो जल्दी से। ये मैंने आपको डिस्काउंट दिखा दी। बेटा मैंने पूरा रिवाइज भी करा दिया और मैं यहां तक लेकर आ गया, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लास्ट में एक बार दोबारा बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। तो एक बार सुनते रहो बाप, बीच में नहीं टोकना। चले आगे। तो ये बताओ, अरे एक पॉइंट इसमें रह गया था, ट्रांसफर वाला भी लिखवा दो, मैं उसे उसको भी लिख देता हूं। टू सॉरी बाय सेल्स डिपार्टमेंट, ये रह गया था, लिखवा दो इसे एक बार। कॉस्ट और 6000 2300 खाली से। तो नेक्स्ट, तो यहां पर टू खादी डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ये रह गया था, तो ये भी हमने मेंशन कर दिया। अब आ जाओ, पॉइंट नंबर वन हो गया, पॉइंट नंबर टू हो गया, पॉइंट नंबर थ्री भी हो गया। क्या पॉइंट नंबर थ्री पूरा हो गया क्या? नहीं, उसमें एक एक क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट बाकी है, लेकिन अभी तक बताओ मैं कहां नहीं पहुंचा क्लोजिंग। तो वो पॉइंट नंबर थ्री की पेंडेंसी अभी रहेगी। चले आगे, पॉइंट नंबर फोर। एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31st December 2011, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द खादी क्लोथ कॉस्ट ₹390 वॉज मिसिंग एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट बी रिटर्न ऑफ। ये बोला खादी का कुछ गुड्स मिसिंग था, तो ये आप आ जाओ इधर खादी में, क्या कर दूं बताओ? आउटफ्लो। अरे राइट ऑफ मैं थोड़ी करूंगा, एंटिटी करेगी, एंटिटी जाने उसका काम जाने। भाई साहब इसमें अकाउंटिंग का फील मत ले लेना कि साहब राइट ऑफ कर दो, ये कर दो, मुझे लेना देना नहीं है। मैं एक सेक्शन इंचार्ज हूं, मेरा काम क्या है बताओ? मेरे सीनियर्स को रिपोर्ट करना कि मेरे पास कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया। बोलो कितना स्टॉक गया, बोलो बात समझ में आ गई? चले आगे। किस कारण से गया? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। सेल्स की वजह से गया, चोरी होने की वजह से गया, मुझे तो रिपोर्टिंग करके आनी है। अगर बेटा चोरी भी होगा तो बताओ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप सेक्शन इंचार्ज की बात को सोचो तो बेटा सेक्शन इंचार्ज का चोरी के लिए जिम्मेदार है। आपको मैंने समझा दिया था, गेट पर एक आदमी खड़ा होता है, ठीक है ना, वो जिम्मेदार है उसके लिए। मुझे नहीं कहा जाता कि अगर कस्टमर गुड्स उठाकर घूमे तो उसे रोक लेना, मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो बिल काउंटर मैंने कहा था एक जगह पर होता है, वहां तक आप गुड्स उठा के घूमते ही रहते हो, समझ में आया? तो चोरी के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं जब मेरे सीनियर्स को रिपोर्ट करूंगा तो बताओ मैं किसकी रिपोर्टिंग करूंगा? स्टॉक अकाउंट में इनफ्लो और आउटफ्लो, रीजन क्या है मुझे मतलब नहीं उनसे। तो बताओ यहां पर बाय लॉस ऑफ स्टॉक, मैंने बता दिया भाई सब कुछ गुड्स तो सेल की वजह से गया मेरे पास से, कुछ गुड्स लॉस हो गया। अब उसके लिए जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते रहो। मैं यहां कोई अकाउंट नहीं बना रहा, कैश अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। बोलो 390 मार्कअप 130, तो बेटा 520, बोलो आई बात समझ में? 520 क्या कर दूं बताओ? टू लॉस ऑफ स्टॉक, बोलो कितना? 130। यहां आप क्या लिख सकते हो? मेमोरेंडम स्टॉक। बेटा यहां पर मेमोरेंडम स्टॉक कहने का मतलब है यहां आप फिगर आपके सही होने चाहिए। ये कौन से अकाउंट बन रहे हैं? कोई डबल एंट्री नहीं चल रही। किसी ने लॉस ऑफ स्टॉक लिख दिया वो भी सही है, किसी ने मेमोरेंडम स्टॉक लिख के ब्रैकेट में लॉस लिख दिया वो भी सही है। तो ये आप इन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा मत करना, आपके फिगर्स परफेक्ट होने चाहिए। क्या बात समझ में आई? और ये इसके साथ ही बताओ क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? हाँ मतलब ये डेटा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बस इन्हें क्या करना है? क्लोज करना है। क्या यहां तक कहानी चले? अगला पॉइंट बताओ, बताओ
किस में कोई इशू नहीं है क्लोज करने में बेटा, खादी में तो कोई इशू नहीं है, सिल्क में तो मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन खादी में मुझे कोई इशू नजर नहीं आ रहा। बताओ मैं क्या करूं, बैलेंस निकाल दूं, बाय बैलेंस सीडी निकाल दो। ना ना बेटा, काहे का वर्किंग नोट, बैलेंस सीडी निकाल दो, वर्किंग नोट थोड़ी बनाएंगे, ये खुद ही बताओ क्या है। अरे वर्किंग नोट ही तो है, सब रफ काम ही तो चल रहा है। कौन सा आप डबल एंट्री सिस्टम पर काम नहीं कर रहे जो आप किसी चीज को ढूंढने के लिए वर्किंग नोट बना रहे हो? बैलेंसिंग फिगर क्या चीज? अरे नालायक जो बोल रहा हूं वो करना। मैंने क्या कहा था, लास्ट तक नेतागिरी नहीं करोगे, लास्ट में आके आपकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना? जो भी पूछ रहा हूं मतलब कहने का मतलब है, जो भी डाउट है वो लास्ट में पूछ लेना, क्योंकि पहले मैं तो मेरी भड़ास निकाल लूं, आप मुझे नहीं निकालने देते, अपनी भड़ास निकालते हो। तो बेटा एक एक करके ऐसा एक गेम खेलते हैं, पहले मैं मेरी भड़ास निकाल लूं, फिर आप लास्ट में आप लोग निकाल लेना बैलेंस। बोलो 17। बेटा 17 चार से तो नहीं बचेगा, 8260 लिखो, 8260। बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया मैंने, 8260। चलो मैं आगे। अब एक बात बेटा, ये 826, हाँ 8260 आ रहा, देख लिया बेटा बुक में भी। मुझे बताओ 8260 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है या कॉस्ट प्लस मार्कअप है? बेटा कॉस्ट प्लस मार्कअप है, ध्यान रखना। ये आया किस प्राइस पर था? कॉस्ट प्लस मार्कअप पर। गया किस प्राइस पर था? तो बेटा बचेगा भी कॉस्ट प्लस मार्कअप पर। बोलो आ गया समझ में? क्या मुझे इसे ब्रेक करके दिखाने की जरूरत है क्या? बेटा बिल्कुल नहीं है। सर यहाँ क्यों दिखाया? बेटा यहाँ तो आपको समझाने के लिए दिखाया था। बोलो आ गया समझ में? बाकी आप चाहो तो इसे ब्रेक कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल और केवल ये डेटा है ना, ध्यान रखना, इस डेटा का कोई मार्क्स थोड़ी है, इस डेटा का कोई मार्क्स थोड़ी है, मार्क्स तो यहाँ पर पड़ा है, लेकिन ये डेटा हमने साथ में रखा, उससे बताओ हमें क्या बेनिफिट मिला? हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रही। आ रहा है समझ में? मैं डायरेक्ट ये लिखता तो भी तो बताओ मुझे ब्रेक करना पड़ता, क्यों? क्योंकि इसमें मार्जिन कितना है वो मुझे यहाँ बुक करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मेरी कन्वीनियंस के लिए काम करता रहा। आप चाहो तो यहाँ भी अपनी कन्वीनियंस दिखा सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ फालतू में करना क्या, यहाँ मुझे कौन सा वो लिखना है बताओ, इसमें क्या छुपा हुआ है? मार्जिन छुपा हुआ है, तो बताओ मार्जिन बताओ मैं क्या कर दूं, टू स्टॉक रिजर्व। अरे ब्लॉक कर दो ना, ये कमाओगे थोड़ी, ये टू स्टॉक रिजर्व। बताओ 8260 कितने परसेंट पर है? लिखते रहो मेरे साथ, समझ में आ जाएगी बात। 133.33% इनटू 33.33% 20। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, 2065 यही आ रहा है, 2065। चलो मैं आगे। बेटा ये आ गया, अब बताओ ये अकाउंट बंद हो गया खादी स्टॉक, अब बताओ इसको भी क्लोज कर दो, टू बताओ अब क्या आएगा? ये बेटा ये आएगा प्रॉफिट, जो आपने कमाया है बताना कितना, ये आएगा प्रॉफिट जो आपने कमाया है 22685। एक बार चेक कर लेना, 22685। चलो आगे, यही आ रहा है ना। चलो ये बेटा आपका, अरे यहां तक आ गए ना, बस बंद करो अब, यहां देखो सामने, इतना कितना समय लगाते हो बेटा, एक दो बच्चों को क्रॉस चली करना होता, सबको थोड़ी करना होता, यही आ गया 22000। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक तो क्लियर है ना, कहीं पता चला मैं आगे जा रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है बेटा, जल्दी से बोलो फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। बेटा मैंने क्या कहा, अब भी दिमाग मत लगाओ प्लीज, मैं सीरियसली बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि समय खत्म होता दिख रहा है, मुझे बातें समझानी है अभी, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कोई ना तो पूछेगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको आपकी बात रखने का, ना कोई पूछेगा ना कोई कुछ बोलेगा, सामने देखते रहो बस। आपकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, नहीं मिले तो लास्ट में पूछ लेना। ये बताओ
हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। बताओ मेरे पास ओपनिंग गुड्स कितने थे? 14,000, जिसमें मैं कितना कमा सकता था? 3,500 कमा सकता था। फिर मेरे पास जो गुड्स आए, बताओ उसमें मैं 25,300 कमा सकता था। तो बेटा मैं टोटल कितना कमा सकता था? 28,800 कमा सकता था। बात समझना, 28,800 कमा सकता था। बोलो बात समझ में आ गई? बेटा 28,800 में से मैं ये 1,620 रुपए क्यों नहीं कमा पा रहा? डिस्काउंट दे दिया, जो मैंने पहले सोचा नहीं था वो डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बेटा मैं 2,300 क्यों नहीं कमा पा रहा? क्योंकि मैंने एक गुड्स को बाई मिस्टेक मेरे घर में रख लिया था, ये मानते हुए कि मैं बेचूंगा। बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई साहब मुझे नहीं बेचना, ये तो किसी और को बेचना है, तो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया था। तो मैंने इसमें से वो मार्जिन भी कम कर दिया, मुझे नहीं कमाना। ये मैं क्यों नहीं कमा पाऊंगा? क्योंकि बेटा कुछ स्टॉक खो गया था। अब जब खो गया था तो उसका मार्जिन तो आप कमाए, आपने तो ये माना था ना इसका सब सब कमा के देंगे हम, लेकिन कुछ गुड्स खो गए। तो ये मैं इसलिए नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मैंने डिस्काउंट बेचा तो है लेकिन डिस्काउंट पर बेच दिया। ये मैं इसलिए नहीं कमाऊंगा क्योंकि ट्रांसफर कर दिया। ये मैं इसलिए नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि लॉस हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि स्टॉक बच गया। ये अभी नहीं आगे कमा पाऊंगा। समझ में आ गया? तो बेटा जो मैंने सोचा था मैं 28,800 कमाऊंगा, उसमें से प्रैक्टिकली इस सीजन में मैंने कितना कमाया? अरे क्या लॉजिकली बात समझ में आ रही? ये स्टेटमेंट कुछ बोल रहा है अपने आप में कि ये आपने रीजन बताए हैं, आप इतना कमाना चाहते थे, आप इतना इन इन वजहों से नहीं कमा पाए तो आपने इतना कमाया। चले आगे एक बात, और मैंने रुका हुआ है बेटा, तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। बाद में आप लोग मेरी बात कंप्लीट होते ही मैं सीधा आप तक आऊंगा, फिर आप लोग पूछ लेना। तो ये बताओ किसको निपटा दिया हमने? खादी को निपटा दिया, खादी का प्रॉफिट आ गया। खादी डिपार्टमेंट का जो सेक्शन इंचार्ज है वो अपने सीनियर्स को कुछ इस तरह से रिपोर्ट करके आया, साहब इतने गुड्स आए, इतने सेल हो गए, इतने ट्रांसफर हो गए, इतने और ये बच गया। बोला आ गया, तो उसने स्टॉक की भी ब्रीफिंग कर दी और ये आपके मार्कअप की भी ब्रीफिंग करके आ गया। चलो ठीक है, अगला पॉइंट। अब बताओ हम किस पर आए? सिल्क पर आते हैं। अब सिल्क को मैं क्लोज करूंगा, उसके बाद आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना बेटा? सिल्क में ये गुड्स थे, मुझे बैलेंसिंग फिगर बताना, बाय बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, दिमाग के दरवाजे खोलकर बात को समझना। बैलेंस शीट बताओ, फिफ्टी 2,350। बोलो बात समझ में आ गया? 52,350 क्या है बताओ? ये क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पर है जल्दी से बताना? मार्कअप प्राइस पर है। बोलो आ गया समझ में? ये मार्क सॉरी कॉस्ट प्लस मार्कअप पर है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं क्या? अच्छा अब पहले मैं गलत लिखता हूँ, ओ सॉरी मैं कुछ लिखता हूँ आप मुझे बताना। अब मैंने बोल दिया, चलो ठीक है। ये बताओ इसमें टू स्टॉक रिजर्व कितना है? 52,350 डिवाइडेड बाय 150 × 50। रुको मैंने कहा मैं कुछ लिखता हूँ फिर बताना ना बेटा, वो मेरे मुंह से निकल गया गलत तो इसका मतलब थोड़ी अब तू शेयर बनेगा, ठीक है? अब तो मेरे को पता चल गया। 17,450 टू बचा हुआ मैंने प्रॉफिट कमा लिया। बोलो कितना? हर तो निकाल दे भाई, तो वही पूछ रहा हूँ, निकालना पड़ेगा। इकतालीस हजार बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ, इसका टोटल करता हूं बेटा, इसका टोटल हो गया 59,450। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, इसीलिए मैंने आप लोगों को बीच में पूछने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आप उल जलूल हरकतें करोगे फिर समय खराब होता है। तो पहले एक बात सुन लो, तो आधी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी, थोड़ी बहुत बचेंगी वो मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा। मुझे ये बताओ सिल्क डिपार्टमेंट का जो वो इंचार्ज है वो ये बोला, साहब ये तो मैं किस वजह से कमाऊंगा? ओपनिंग स्टॉक है, इतना मैं कमा सकता हूँ। ये मेरे पास कुछ गुड्स
आए उसका कम आगे बताऊंगा। ये मेरे पास इंटरनल ट्रांसफर से आया तो मैं टोटल कितना कमाऊंगा, 49,450 कमा के दूंगा आपको। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? 49,450 कमाऊंगा तो मैं ये क्यों नहीं कमा पाया, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। ये क्यों नहीं कमा पाया, क्योंकि स्टॉक बच गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैंने क्या कमाया, ये कमा सकता था ये कमाया, और क्यों नहीं कमा पाया उसके मैंने रीजन बता दिया। मुझे लगता है बात सबको क्लियर हो गई। चलो मैं आगे बेटा, मैं एक चीज इम्प्रोवाइज इधर इधर। बेटा खो क्यों जाता है तू बार बार? सिंगल ग्रुप है बोथ ग्रुप है? बोथ वालों को तो खोने की परमिशन ही नहीं है। ये सिंगल वाले सोच सकते हैं बेटा, ठीक है ना? बोथ वाले तो सोच ही नहीं सकते, पाप लगता है उन्हें। सिंगल वालों के पास समय ही समय। मुझे ये बताओ बेटा, आपको, चलो हमने बिल्कुल सही लिखा, आपको लगता है कहीं कुछ इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश है? क्या है बेटा? मुझे ये लगता है हमने लिखा सही है, कोई गलत नहीं लिखा, लेकिन हमें ये लगता है कि बेटा ये है ना, ये इसमें आप क्या 17,450 रुपए कमाने की ताकत रखते हो क्या? बोलो, नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना इसमें अरे इसका अगर मैं ब्रेकअप करूं तो ध्यान रखना कॉस्ट प्लस मार्कअप है, कॉस्ट प्लस मार्कअप है। बताओ मार्कअप कितना है? 17,450, और बचा हुआ क्या है? कॉस्ट है। बोलो बात समझ में आ रही है? कितना है वो निकालने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ कॉस्ट है और 17,450 मार्कअप है। बेटा इस कॉस्टिंग में 5,000 कॉस्टिंग का वो गुड्स है जिस पर आप 1,000 का डिस्काउंट दे चुके हो। बोलो समझ में आ गया? 1,000 का डिस्काउंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हो। तो यानी दो तरह के गुड्स हैं, एक फ्रेश गुड्स और एक डिस्काउंटेड गुड्स, ये दोनों मिल रहे हैं। तो बेटा आपने मार्जिन तो बताओ कितना रखा हुआ है, फ्रेश गुड्स का ही रखा हुआ है, जबकि इसमें कुछ डिस्काउंटेड गुड्स भी हैं। तो क्या मुझे बताओ, इन फ्यूचर जब मैं इन गुड्स को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्या मैं 17,450 कमा पाऊंगा क्या? बोलो कितना कमा पाऊंगा बेटा? 16,450, क्योंकि मैं डिस्काउंट दे चुका। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्या मुझे इन्हें 51,350 पर लेकर जाना चाहिए क्या? बोलो आगे। नहीं। अरे क्या 52,000 पर लेकर जाना चाहिए क्या? अरे इन्हें आगे क्या 52,000 पर लेकर जाना चाहिए क्या? नहीं। कितने पर बेटा? 51,000 पर ही तो लेके जाना चाहिए। और क्या मैं जब आगे स्टेटमेंट में प्रॉफिट लेके जाऊंगा 17,000 लेके जाना चाहिए क्या? बेटा 16,000। समझ में आया? क्योंकि इस गुड्स पर मैं 17,000 नहीं कमा सकता। बोलो क्या कमाऊंगा? 16,450। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्काउंट दे चुके, वो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, उसमें 1,000 रुपए तो हम कमा ही नहीं पाएंगे। तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या है? बाय मेमोरेंडम मार्कअप। बोलो 1,000 डिस्काउंट इन स्टॉक। बेटा यहां पर दो जगह पर डिस्काउंट है। बोलो आ गया समझ में? वैसे आप 52,000 भी ले जाओ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लॉजिकली सोचो ना, ये सेंस नहीं बनता कि आप 52,000 पर ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू ही कितनी कर रखी है। बोलो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अरे 51,350। बोलो आई या नहीं आई? 51,350। अब मेरी बात को मैथमेटिकली मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं आपसे, तो ध्यान से सुनना। बताओ मैंने क्या कर दिया? टू मेमोरेंडम स्टॉक, और ये क्या आ गया? डिस्काउंट 1,000। बेटा एक डिस्काउंट सेल के साथ है, ये इसमें ध्यान रखना सारा का सारा डिस्काउंट किसके साथ था? सेल्स के साथ। यहां पर एक डिस्काउंट सेल्स के साथ है और एक क्लोजिंग स्टॉक के साथ है। बात समझ में आ रही है? चलो मैं आगे। अब बेटा इसमें मुझे क्या ढूंढना है? स्टॉक रिजर्व। अरे मार्कअप नहीं, स्टॉक रिजर्व। बोलो आ गया? टू स्टॉक रिजर्व। अब आपको नहीं लगता इसमें स्टॉक रिजर्व ढूंढने में एक झंझट है? बोलो क्या झंझट है? बेटा ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले पता है आपने स्टॉक रिजर्व कैसे ढूंढा था? 52,350 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 50। अरे ऐसे ही तो ढूंढा था। अब बेटा मैं इस 51,350 को बताओ डिवाइडेड बाय 150 नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 150% पर नहीं है। बोलो आ गया समझ में? ये नॉर्मल नहीं है बेटा। 150% का मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल गुड्स नहीं है। इसमें नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल, दो तरह के गुड्स हैं। अब मेरे सामने पंगा आ गया तो बताओ मैं क्या करूं?
बेटा ऐसा करता हूँ, अब मैं एबनॉर्मल वेबनॉर्मल लॉस नहीं करूंगा, मुझे तो मार्जिन चाहिए। तो बताओ मैं क्या करता हूँ बेटा, 1,000 मैंने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 150 और इनटू 50। बताओ ये प्लस 1,000 करते ही क्या आ गया ये? अरे 150% पर आ गया ना, नॉर्मल आ गया। बताओ अब मैं क्या कर दूं इसमें से, 1,000 कर दो। मैंने कहा था मैं मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ आपसे बेटा, मैंने एक बार 1,000 प्लस कर दिया और एक बार 1,000 प्लस करने से क्या हुआ, वो नॉर्मल परसेंटेज पर आ गया। तो बताओ फिर मैंने क्या निकाल लिया इसमें से, 17,450, यही तो निकाल दिया, 17,350। कितना आया था बोलो, 17,450 बोलो आ गया, 17,450 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, तो बेटा 16,400। ये दोनों क्या हो गए, 17,400 हुए या नहीं हुए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको डायरेक्ट लिखा था, अब मैंने क्या किया, मैंने ये बता दिया 1,000 का डिस्काउंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व कितना रह गया, मात्र 16,000। तो जब मैं आगे बताया ओपनिंग स्टॉक लेके जाऊंगा, तो अब मैं 52 नहीं लेके जाऊंगा, कितना लेकर जाऊंगा, 51,350 लेके जाऊंगा। और उसका मार्कअप कितना बुक करूंगा, 17,000 बुक नहीं करूंगा, 16,000 बुक करूंगा। लॉजिकली है, मेक सेंस। बोलो बात समझ में आई, क्या क्लियर हुआ? ये बताओ अब भी ये बैलेंस कितना आएगा बेटा? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके, ये तो वही है, हम ऊपर ही चीजों को ब्रेक कर रहे हैं। मैंने इसी 52 को ब्रेक किया, मैंने इसी 17,000 को छेड़छाड़ की है इसी के साथ, मैंने उस 41,000 के साथ कुछ नहीं करना। क्या बात समझ में आई सबको? लिखो जल्दी से, बेटा अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई, तो एक बार नोट कर लो, मैं सबको मौका दूंगा। मैम पहले मैं मेरी डिस्कशन कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, क्योंकि एक बार मुझे बोलना जरूरी है, उससे आपके डाउट्स कम हो जाएंगे। बेटा जल्दी लिखो, इतना का कैलकुलेशन कोई कुछ नहीं करेगा बेटा, सब कुछ कैलकुलेटेड पड़ा है, लिख लिया सबने, लिख के मुझे बोलो, मुझे समझाना है, टाइम होता जा रहा है पूरा। बेटा अगर आपको एक बजे जाना है तो मुझे बातें पूरी करनी है आज, क्योंकि आपके पास आके समय है तो ठीक है ना, तो मैं पूरा करके जाऊंगा बात, इसीलिए समय खराब मत करो, मैं मेरी डिस्कशन पेंडिंग नहीं छोड़ के जाऊंगा। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो जबरदस्ती बोल रहा हूँ आपको, आज तो पूरा डिस्कशन होके ही रहेगा बेटा। मैं वैसे भी 2 बजे भागता हुआ ही जाता हूँ, आज भी चला जाऊंगा भागता हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है, लिख लिया सबने बेटा। अब चलो इसके सॉल्यूशन को देखो एक बार, खादी डिपार्टमेंट पर, सॉरी खादी डिपार्टमेंट को देखो जल्दी से, खादी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना निकाल के दिखा रहा है ये, 24,350। बेटा हमारा तो कितना आ रहा है, बोलो हमारा कितना आ रहा है, 22,000। हमारा तो 22,000 आ रहा है। ये बताओ सिल्क डिपार्टमेंट का इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? अरे इसका प्रॉफिट नालायक प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व नहीं बोल रहा, हमारा कितना आ रहा है?
यार हमारा तो टैली नहीं कर रहा है। अब आ जाओ इधर देखो, अब कंसंट्रेट करो, जल्दी से बोलो बेटा क्या इसमें 14,000 है। खादी डिपार्टमेंट देखो फटाफट, सॉल्यूशन देखो, मेन सॉल्यूशन क्या इसमें 1,01,000 है, 95,600, क्या 1,620 है? अरे ऊपर नीचे देख लो तो, 9,200 है, 520 है, 8,260 है, 3,500 है, 25,300, ये 2,300, 130, 2,065, क्या नहीं है? बात समझ में आ रही है? ये 1,620 इसने यहां नहीं लिखा, और उसी की वजह से बताओ ये प्रॉफिट बढ़ गया है, यानी डिफरेंस 1,620 है। बेटा क्या ये 1,620 यहां लिखना चाहिए था क्या? 101%। क्यों? बेटा गलत प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो यही है, प्रॉफिट कहां गलत दिख रहा है? अरे भाई साहब फर्स्ट पैरा में इसने क्या कहा था, फर्स्ट पैरा में क्या कहा था? हाँ बेटा फिफ्थ फिफ्थ लाइन देखो, द अमाउंट ऑफ द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी गुड्स रिड्यूस बिलो इट्स नॉर्मल द रिडक्शन मार्कडाउन एडजस्टेड बोथ स्टॉक अकाउंट एंड मार्कअप। बात समझ में आ रही है? बेटा ये अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आ गया, ये खुद जो बोल रहा है ये खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, और ये किसी महान नालायक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, नालायक नहीं है जो महान नालायक, क्यों? क्योंकि इससे पहले इसका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट था। बेटा ये अभी 4-5 अटेम्प्ट पहले ही इसका आंसर बदला इन लोगों ने, और उससे पहले जो इसका आंसर इन्होंने पब्लिश किया था वो बिल्कुल करेक्ट था, और उस सही से जाने किसको बिठा दिया है यहां पर, और उसने इस आंसर की धज्जियां उड़ा के रख दी। चलो हम उसकी बात को भी सही मान लेते हैं, चलो वो होगा कोई तुम्मन खां जिसने बना दिया ये आंसर, लेकिन ये बताओ जो स्टेटमेंट खुद बोल रहा है उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, दो कि दोनों जगह पर एडजस्ट, जब 1,650 का डिस्काउंट यहाँ है 1,620 का, तो बेटा यहाँ भी तो आना चाहिए, स्टेटमेंट खुद बोल रहा है वर्किंग ऐसे होगी आपकी, क्योंकि ये रफ काम है, रफ काम कैसे किया जाएगा, उसने पैरा नंबर 1 में खुद ने गाइड किया है, तो बेटा खुद की ही बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब साहब आपको क्या करना है मुझे नहीं पता, इन्होंने ये नया सजेस्टेड आंसर अभी 2-4 अटेम्प्ट पहले पब्लिश किया है, तो आपको तो क्या करके आना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आंसर लेने तो पूरे मार्क्स लेने तो पूरे, वरना आपके कोई 10 नंबर में से एग्जाम में ये 16 मार्क्स का आया हुआ था, लेकिन उसमें इन्होंने वेरिफिकेशन पता नहीं क्या क्या वर्किंग की थी, इन लोगों ने इस क्वेश्चन को तो वही रखा, इसके आंसर को बर्बाद कर दिया, बिलीव मी इसका आंसर बर्बाद कर रखा है इन्होंने, पुराना आप देखोगे वो जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा वो आंसर बढ़िया, वो अब आपके काम का भी नहीं है, तो मैंने एक कमी दिखा दी। बात समझ में आ गया? ये इस चीज को अब बेटा याद रख, याद रह जाए तो ठीक है, वरना बेसिक करवाया ना, एक दो नंबर कटे तो कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू की चीजों में दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, काट लो नंबर, तुम्हारा क्या हमारा क्या जा रहा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये वापस सही आ जाएगा, क्योंकि अब कोई कुछ ना कुछ तो कमेंट करेगा। चलो अब मैंने बता दी इसकी कमियां। दूसरी बात बेटा ये बताओ, इसने एक एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल बनवाया जबकि पहले ये वेरिफिकेशन करवाता था, वेरिफिकेशन मजेदार चीज थी, अच्छा भी लगता था वेरीफाई करने में, पीएनएल में जाके क्या किया इसने देखना जाके, बेटा पता है इसको ऐड करके ले गया इन दोनों को, और देखो पीएनएल में, पीएनएल तो एंटिटी का बन रहा है ना, खादी और सिल्क का तो पीएनएल बनेगा नहीं, पीएनएल तो एंटिटी का बनेगा, तो बताओ पीएनएल में क्या कर गया, 24,305 ले गया, यानी इन दोनों का सम ले गया 24,305, और बताओ क्या कर दिया, टू खादी स्टॉक, ब्रैकेट में डिस्काउंट लिखना यहां भी भूल गया, तो वो डिस्काउंट वहां पर लिखा हुआ है, और अल्टीमेटली बात करो ये आ गया, तो इसने इस गलती को बताओ कहां सुधार दिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल में जाके, बोलो क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है ये बात याद रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, बेटा याद रहनी चाहिए, मैंने इसीलिए इतना समय लगाया, तो आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बताओ क्या मत करना, बोलो यहां पर डिस्काउंट बुक कर देना, यहां मत करके पीएनएल के एक्सट्रैक्ट में डाल देना, और याद नहीं रहे तो मैंने आपको बेसिक काम बता दिया, मैंने तो बिल्कुल सही करवाया है।
हालांकि इसमें भी कुछ गड़बड़ है, मैं वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो कुरते फिर और चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन है ही नहीं आपके पास। तो मैंने वो कमियां छुपा रखी हैं जो डेप्थ लेवल की है, मैं उनको दिखाना भी नहीं चाह रहा आपको। आ जाओ मुद्दे पर। तो मुझे लगता है सेकंड में तो आपको बात समझ में आई गई, सेकंड में आ जाओ, सेकंड मुद्दे पर बेटा। सेकंड में देखना इसने स्टॉक को, बेटा बातचीत नहीं, सेकंड में बताओ इसने स्टॉक को कितने पर दिखा रखा है। सिल्क में देखो 52,350, बोलो आ गया समझ में। उसका स्टॉक रिजर्व कितने का बना रखा है, 17,350। क्या यार 52,350 पे आगे लेके जाओगे, बोलो क्या दिमाग खराब है क्या? स्टॉक में डिस्काउंट दे चुके हो और अब भी बोल रहे हो साहब 52,000। गलत रिपोर्टिंग नहीं करोगे क्या एंटिटी को? डिस्काउंटेड गुड्स पड़े हैं उसमें और आप बोल रहे हो साहब 52,000 में। बेटा मैं 52,000 में कब ले जाता? हाल फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं होता, और आगे जाके मैं अनाउंस कर देता तो बात अलग थी, तो पहले अनाउंस कर चुका। तो क्या मतलब है चीजों को ओवर वैल्यूड करके दिखाने से? बोलो आ रही है बात समझ में? क्या मतलब है? क्या मैं 17,000 कमा सकता हूँ कि जो स्टॉक रिजर्व 17,000 दिखाऊं? समझ में आया? तो बताओ सही तरीका क्या है बेटा। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है, बोलो डिस्काउंट पड़ा हुआ है, तो उस डिस्काउंट फैक्टर को यही इग्नोर मारो, यही इग्नोर करो, वरना प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। दूसरा, आपका स्टॉक रिजर्व ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो बेटर अप्रोच क्या है? मैं दोनों को करेक्ट करते हुए, बेटा 1,000 यही ड्रॉप कर दिया आपने, इनफ्लो आउटफ्लो मैच करके यही ड्रॉप करा दिया, और बताओ यहाँ 17,000 में से 1,000 यही ड्रॉप कर दिया। अब मैं कैरी फॉरवर्ड रिवाइज फिगर करूंगा जो ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है। बोलो बात समझ में आ गई? एक कमी। दूसरी कमी क्या है? इसने 1,000 का डिस्काउंट जो सेल्स वाला है, जो सेल्स वाला है, बताओ वो कहाँ? मेमोरेंडम स्टॉक में तो लिखा है लेकिन कहाँ नहीं लिखा? बोलो मार्कअप अकाउंट में नहीं लिखा। आ गया। और वो कहाँ लिखा फिर इसने? बेटा पी एंड एल में देखो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 41,000, इसका प्रॉफिट आ रहा 42,000, 42,000 को फिर वहां पर एडजस्ट किया। बोलो आ रही है बात समझ में? तो बेटा इसकी दो कमियां हैं, एक स्टॉक की, ओ सॉरी डिस्काउंट की कमी जो इसने पी एंड एल में जाके फिल्टर करी है, लेकिन पी एंड एल में आप सही नहीं बोल सकते क्योंकि फिर वो जो पहला स्टेटमेंट है जो इसका वो फिर गलत है। दूसरी बात, बोलो सिल्क का क्लोजिंग स्टॉक ये ओवर स्टेटेड प्राइस पर आगे लेकर जा रहा है, ये दो कमियां हैं इसके सॉल्यूशन में जो पहले नहीं हुआ करती थी, और पहले इसका सॉल्यूशन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से था, अब इन्होंने इसके सॉल्यूशन को बर्बाद कर दिया। मैंने दोनों कमियां दिखा दी, अब आप इम्प्रोवाइज करते हो या पुरानी चीज को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करके याद करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर ये सॉल्यूशन दिखाए क्यों आपने? वैसा ही करवा देते ना जैसे इसने कर रखा है। बेटा वो इलॉजिकल है, मैंने इसलिए करवाया, इन्होंने एक क्वेश्चन और दे रखा है, समझ में आया? उस क्वेश्चन में बताओ इन्होंने क्या कर रखा है, बिल्कुल सही कर रखा है। आ गया। और ये दोनों क्वेश्चन पास्ट में एग्जाम में आए हुए हैं, समझ में आया? दोनों के ही सजेस्टेड आंसर बिल्कुल सही थे, लेकिन इसका पता नहीं इन्होंने क्यों रिवाइज किया, इसका भगवान मालिक है। अगर ये उसको भी चेंज कर डालते ऐसे कि ऐसे, तो बिलीव मी मैं आपको ये फंडा बताता ही नहीं, फिर तो मैं आपके दिमाग में वही बात डाल देता खाली, और वो कैसे डालता फिर वो मेरा इशू था। मैं आपके दिमाग में नए थॉट आने ही नहीं देता, मैं इतनी डेप्थ एनालिसिस करवाता ही नहीं आपको, फिर उसी उसी हिसाब से मैं आपको बात समझाता जो आप नया कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन क्योंकि इसने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा पेज नंबर 12.29 पर, उसका इसने बताओ क्या दे रखा है, बिल्कुल सही तरीके से जो हमने यहाँ डिस्कशन किया है, दोनों तरफ डिस्काउंट बुक किए हैं और स्टॉक को बताओ डिस्काउंट के बाद ही, स्टॉक रिजर्व को डिस्काउंट के बाद ही लेकर गया आगे। तो इसीलिए मुझे फिर आपको यह अप्रोच बतानी पड़ी जो बिल्कुल सही है और जो कहीं ना कहीं आपको भी लॉजिकल लग रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो आया समझ में? बेटा इसीलिए मैंने आपको कहा था बीच में, किसी को नहीं पूछने दिया था। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो क्या मेरी बात समझ में आई सबको? मैंने क्वेश्चन की कमियां भी दिखा दी। अब साहब मेरे से मत पूछना उसका आंसर, मैंने कहा जो आपको एसएम में दे रखा है वही लिखना है अगर फुल मार्क्स ही है, वरना एक दो नंबर कट जाएंगे तो उसका कट जाए तो बेटा कट जाए, अगर आप कोई थोड़ा सा एनालिसिस कर सको तो ठीक है, अदरवाइज अपना बेसिक आंसर लिख देना। अब आपका होमवर्क क्या है? अभी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना आपको, बताओ क्या करोगे आप? इसी को रिटर्न में करके आओगे। बोला आ गया समझ में?
बिल्कुल हो जाएगा बेटा। देखो अब शायद आपको बात भी समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन उतना आसान है नहीं जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आपने रिटर्न में, क्योंकि ये तो सारा मैंने किया, 3 घंटे लग गए पता है इस क्वेश्चन में, एक क्लास खाली उस पैरा को समझाने में, दूसरा एनालिसिस करने में, तीसरे में पूरा हुआ ये 3 घंटे जिस बात को मैंने लगाए हैं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट प्रायोरिटी पर करना बनता है, क्योंकि हमने बहुत समय खराब किया है। अगर आप एक बार इस एग्जाम्पल नंबर 8 को या जो भी एग्जाम्पल है इसको आप निपटा देते हो ढंग से, तो आप यकीन करो चीजें, मैंने कहा ना प्रैक्टिस से मेमोराइज होती हैं चीजें, और तभी जाके आपकी स्पीड बनती है। इस क्वेश्चन को करके आओगे और इस क्वेश्चन की लूप होल को समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद बेटा कल का होमवर्क मैं आज ही बता देता हूँ। बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन कल आते आप मुझे बता देना, तो मैं इसको थोड़ा सा बताओ 10 मिनट के अंदर क्या कर दूंगा। हाँ मैं तेजी से बोल दूंगा ताकि आपको वो बातें क्लिक कर जाए, तो फिर आप कल आते ही याद दिलाओगे, ये आपका काम है। 10 मिनट में इस पर कुछ वैसा ही है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेजी से बोल दूंगा, उसके बाद ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आज का तो होमवर्क है नहीं है, कल का है। कल इसमें जो डाउट आएंगे एग्जाम्पल 8 में वो डिस्कस करेंगे, और आप मुझे बता देना 10 मिनट इसे डिस्कस करने के बाद कल हम बताओ क्या करेंगे बेटा। नया चैप्टर, अब वो देखेंगे कौन सा करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या डिपार्टमेंट समझ में आ गया? हाँ बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो बेटा, सबको डिपार्टमेंट समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, तो बेटा होमवर्क करके लाना है अगर आपको बिल्कुल तरीके से चीजें क्लियर करनी है तो। हरे कृष्णा बेटा, आज के लिए इतना, ठीक है। हाँ बेटा, आज तारीख कितनी है? चलो ब्रांच करा दे। हरे कृष्णा बेटा।